छतरपुर जिले के बड़ा मलेरा में दो बाइक आपस में टकरा गईं और इस हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा बड़ा मलेरा के डॉक्टर रमेश असाठी के क्लिनिक के सामने हुआ, जहां पर वहां से गुजर रहे कांग्रेस उपाध्यक्ष नरेंद्र दीक्षित ने देखा और घायल को तत्काल इलाज के लिए अपनी गाड़ी पर बिठाकर अस्पताल लेकर आए। इस पूरे हादसे में दरगुआ निवासी आकाश विश्वकर्मा घायल हुआ है। वरदान एक्सप्रेस के लिए बड़ा मलेरा से राजाराम साहू की रिपोर्ट। चलती कार में आग लगने का मामला छतरपुर जिले के बमीठा से सामने आया है, जहां पर थाना प्रभारी अरविंद दांगी द्वारा सजगता दिखाते हुए गर्भवती महिला की जान बचाई गई और यहां पे इलाज के लिए उसे जिला अस्पताल लेकर आया गया। जानकारी के अनुसार NH 39 में बसारी के पास गर्भवती महिला को लेकर ओमनी कार जा रही थी, तभी अचानक आग लग गई और आग लगने की वजह से इस पूरे मामले में 5 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें यहां पे इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया। वहीं गर्भवती महिला की जान बच गई और उसे किसी भी प्रकार की चोट नहीं आई है। यह हादसा सुबह करीब 6:30 बजे का है, जिसके बाद यहां पे मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी अरविंद दांगी द्वारा पूरे मामले को संज्ञान लेते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वरदान एक्सप्रेस के लिए बमीठा से अभिषेक नामदेव की रिपोर्ट। छतरपुर जिले की नगर परिषद खजुराहो में कार्यरत राकेश गुप्ता सेवानिवृत्त होने के बाद विदाई समारोह पार्टी का आयोजन रखा गया, जिसमें अध्यक्ष अरुण कुमार अवस्थी, उपाध्यक्ष बिट्टी बाई पाल, CMO एकता अग्रवाल सहित तमाम नगरपालिका के कर्मचारी मौजूद रहे, जिनकी उपस्थिति में सेवानिवृत्त हुए राकेश गुप्ता को तिलक लगाकर माला पहनाकर और सार स्लीफर देकर सम्मान किया गया। इसके साथ ही उनकी नौकरी के कार्यकाल के दौरान उनकी खट्टी मीठी यादें यहाँ पे कर्मचारियों ने बताई। साथ ही यह बताया कि किस तरीके से राकेश गुप्ता का कार्यकाल रहा और उनका प्रशंसा करने के लिए सभी कर्मचारी एकजुट हुए और यहाँ पे उन्हें विदाई समारोह दिया गया। वरदान एक्सप्रेस के लिए खजुराहो से तुलसीदास सोनी की रिपोर्ट। छतरपुर के जिला कलेक्टर संदीप GR द्वारा जिले के नौगांव में अचानक निरीक्षण किया गया और यहां पे बसे बस स्टैंड के पास रैन बसेरे का निरीक्षण किया गया, जहां के हालातों को जाना। इसके अलावा नगर की बस स्टैंड पर यात्री प्रतीक्षालय जो बना है उसके भी हालात देखे और यहां पे गंदगी का अंबार उन्हें देखने को मिला, जिस बात को लेकर उन्होंने नगर पालिका की CMO से तत्काल यहां पे सफाई कराने को लेकर कहा। साथ ही तहसील चौराहे तक पैदल चलते हुए कलेक्टर संदीप GR और नगर पालिका की व्यवस्था देखी। वहीं नगर के लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए एक संदेश दिया और कहा कि यहां पे जागरूकता को लेकर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके साथ ही उत्कृष्ट बालक छात्रावास का भी निरीक्षण किया गया। इस दौरान SDM विनय द्विवेदी, तहसीलदार सुनीता साहिनी, जनपद CEO भागीरथ प्रसाद तिवारी, नगर पालिका CMO नीतू सिंह, थाना इंचार्ज संजय पांडे सहित तमाम कर्मचारी मौजूद रहे। वरदान एक्सप्रेस के लिए नौगांव से रवि विश्वकर्मा की रिपोर्ट। छतरपुर के जिला कांग्रेस कार्यालय में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहां पर जब जिला प्रवक्ता कांग्रेस के यहां संतोष तिवारी कार्यालय पहुंचे तो देखा गया कि दरवाजे पर चप्पल लटकी हुई मिली, तो यहां पे चप्पल लटकने का मामला बड़ा ही गरमाया है। यहां पे कांग्रेसियों ने आपत्ति जताते हुए कहा है कि इस मामले को लेकर पुलिस कंप्लेन करेंगे और जिस भी व्यक्ति ने इस तरीके की हरकत की है उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग पुलिस द्वारा की जाएगी। लेकिन ज़रा सोचने वाली यह बात है कि जिला कांग्रेस कार्यालय के बाहर चप्पल लटकाने वाला कौन सा वह शख्स होगा जिसके द्वारा यह चप्पल लटकाई गई होगी। हालांकि यहां पे बिल्डिंग के आसपास लगे CCTV कैमरे की फुटेज में इस तरीके का कोई भी कृत्य सामने नहीं आ पाया है, लेकिन यहां पे जिस तरीके से जिला कांग्रेस प्रवक्ता संतोष तिवारी ने कहा है कि पुलिस से कंप्लेन करने के बाद कार्यवाही की मांग करेंगे, तो अब देखना यह होगा कि यहाँ पे कांग्रेस इस मामले को लेकर कितनी सक्रिय हो पाती है और यहाँ पे चप्पल लटकाने वाले शख्स पर क्या कार्रवाई होती है। लेकिन कहीं ये टोटका तो नहीं, क्योंकि आगामी दिनों में विधानसभा चुनाव आने वाला है और कार्यालय के बाहर लटकी चप्पल कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ संदेश दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, वरदान एक्सप्रेस।